भारत माता के जय घोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने के उपरांत परेड के कमांडर श्री योगेंद्र सिंह राठौर कमांडान, परेड के 2IC श्री चरित्र सिंह कटियार द्वितीय कमान अधिकारी को कमान सौंपते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ते परेड के कमांडर श्री योगेंद्र सिंह राठौर कमांडांट, शानदार परेड के लिए बधाई, शाबाश परेड कमांडर, शाबाश बहादुर प्रहरियों। और परेड के प्रस्थान के ठीक बाद हम देखेंगे यहां पर प्रशिक्षण पर आधारित कुछ विशेष प्रदर्शन। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल हम हैं सीमा सुरक्षा बल, इस धुन पर आगे बढ़ते जाबाज सीमा प्रहरी वापस अपने गंतव्य की ओर। और हमारा आपो देखियो कि कीकर वीरता साहस रे साथ मुस्तैद रेवनाड़ा सीमा मथे हमारा सीमा सुरक्षा प्रहरी बहुत उम्दा, बहुत शानदार, बहुत चौकी प्रस्तुति दी परेड। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है, ये तो दौड़ भरी थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी वर्दी से ही मेरा अंदाजा मत लगा लेना, ये तो शुरुआत भर थी, अभी अंजाम बाकी है। बिल्कुल अब आर तो आप देखियो वर्दी धारी और बहुत उम्दा परेड। इनके बाद में ए वर्दी धारी तो दम रखे हैं कि जानवरों ने भी प्रशिक्षण दे देवे हैं। जी हाँ, आप आश्चर्य मत करी जो, आश्चर्य तले उंगली मत दबाई जो, मैं अबार आपने दिखावन जा रही हूँ इतनी उम्दा प्रस्तुतियों जिन्हें देखने आप वाकई हैरान हो जाओ कि कीकर बेजुबान और मूक जानवराना उम्दा ट्रेनिंग दे दी जावे है, जो कि आप देख सको हो एक श्वान मंच की तरफ आए रहे हैं। राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर में प्रशिक्षित ये श्वान सबसे पहले मुख्य अतिथि का अभिनंदन अभिवादन फूलों के गुलदस्ते से। श्वान सिमी द्वारा बुके प्रेजेंटेशन। राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर सिर्फ अपने देश के ही पुलिस बलों को प्रशिक्षित और नहीं करता, बल्कि मित्र राष्ट्रों के भी पुलिस बलों के श्वानों और उनके हैंडलर्स को प्रशिक्षित करता है। और अतिथि देवो भवरी परंपरानो, राजस्थान में इंसान तो कहीं जानवर भी बखूबी निभावे है, बखूबी समझे है, इन रोमदा उदाहरण थो आश्वान। इनके बाद और भी ढेर सारी प्रस्तुतियां आप सभी के समक्ष आ रही है, जो कि आप देख सको हो के सामने की तरफ। और अगला प्रदर्शन सूट अटैक, श्वान गब्बर बेल्जियम मेलिनोइस हैंडलर कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह। और श्वान बतावे हैं कि अगर घुसपैठ या बॉर्डर की तरफ आवे हैं तो बिना एक बखत गवाए, बिना पलक झपके किन रूप से श्वान बोटी बोटी तोड़ देवे में सक्षम होवे हैं। और देखो वाह, वीरता तो श्वान में कूट कूट ने भरी है और रक्त री लहूरी नदियों बहावन में बोटी बोटी तोड़ देवना दम रखे है आश्वान। श्वान रो नाम भी बड़ो गजब रो थो, श्वान थो गब्बर। और अब रोप एजिलिटी। जी हाँ, श्वान अकबर रामपुर हाउंड भारतीय नस्ल हैंडलर कांस्टेबल हरविंदर कौर। इसी वर्ष से महिला श्वान हैंडलर्स का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। फिट रेवनरू की भूमिका है जिंदगी में, श्वान बता रहे हैं बहुत फिट वेल मेंटेन्ड और वेल ट्रेन्ड है श्वान, जो जीवन में संतुलन की भूमिका भी बता रहे हैं, बहुत उम्दा श्वान अकबर। और अब लैडर जंप, गजब की स्फूर्ति के साथ आप देखेंगे श्वान विकी को। वाह, बड़ी तेजी के साथ बेल्जियम हैंडलर दिग्विजय गिरी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में भी अनेक सम्मान हासिल करते हैं यहाँ के प्रशिक्षित श्वान। वेल ट्रेन है श्वान। और इनके बाद जो नेक्स्ट आ रही है श्वान रिटोली, दो श्वान वो आपने बतावे हैं
कि स्वच्छता री जिंदगी में की भूमिका है। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा अपील करे है कि भारत न स्वच्छ रखनो है, चूंकि स्वच्छता रे परिवेश में ही स्वस्थ रहो जा सके है। तो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत री तहत ऐश्वान आपने एक प्रेरणा एक संदेश देवन आ रहा है। जट जचैन ने कचरो दिखे है, वटे खुद जावे है, कचरे नो कलेक्ट करे है और उनके बाद निर्धारित स्थल में यानी कि पात्र में डाल देवे है। बहुत उम्दा। स्वच्छ भारत मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान, इसमें शामिल श्वान सिमी एल्ट्रीशियन और श्वान कोबरा लगे हैंडलर सिंह के कांस्टेबल आशीष कुमार झा तथा एम सिलम्बरास। श्वान सिमी और श्वान कोबरा माने बहुत अच्छी सीख देने जा रहा है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ दिमाग निवास हुए है और स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ दिमाग इन सब रिवासे स्वच्छता की जरूरत हुए है। यह प्रदर्शन जब भी छोटे बच्चों के सामने या पब्लिक प्लेसेस पर किया जाता है तो लोग स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक होते हैं, उत्साहित होते हैं। बेहतरीन प्रस्तुति। राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षित श्वानों द्वारा यह प्रदर्शन। और अब आप देखेंगे कि किस तरह राजस्थान की धरती की सुरक्षा में सदैव तत्पर हमारे राजस्थान के ऊंट सवार किस तरह आगे बढ़ते हुए अलग अलग फॉर्मेशन में यह साबित करते हैं कि ऊंटों के साथ उनका तालमेल, उनकी सुरक्षा के प्रति चाक चौबंद कोशिश किस तरह आगे बढ़ती है। सबसे पहले स्टैंडिंग फायरिंग पोजीशन। कांस्टेबल जयपाल सिंह ऊंट बादल माथे सवार है और उनके बाद ऊंट शेरू माथे सवार है कांस्टेबल कंवर लाल और बखूबी रूप से दुश्मन रे माथे अपनी बंदूक तान ने खड़ा है और बताया रहा है कि दुश्मन चाहे कितो भी ताकतवर क्यों ना होवे है, इनरा इरादा उनसे ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बुलंद है। एंड नेक्स्ट आप देख रहे हो हाफ स्टैंडिंग फायरिंग पोजिशन में हेड कांस्टेबल कुंदन कुमार ऊंट शक्ति माथे सवार है। वैसे भी रेगिस्तान में तो ऊंट शक्ति रोही प्रतीक हुए है और उनके बाद कांस्टेबल राम प्रकाश सवार है आप रे ऊंट कनक माथे। दोनों ही दुश्मन नो घुटने रे बल टिकावन रो मादो रखे है। और अब अगली फॉर्मेशन आगे बढ़ती हुई, ये सभी उस सामरिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इनके आम जीवन में सामने आती है। यह साइड आर पोजीशन या जिसे हम टैक्टिकल मूव कहते हैं, बिल्कुल दुश्मन को चकमा देते हुए उसके करीब तक पहुंच जाना कांस्टेबल जगदीश प्रसाद ऊंट करण के साथ। और बखूबी दुश्मन आभास दिलाए देवे हैं कि ऊंट माथे कोई सवार को नहीं। लेकिन अगली प्रस्तुति और बेहतरीन है। रेगिस्तानी एम्बुलेंस कांस्टेबल चन्ना राम और ऊंट आजाद। ऊंट रो एक और कार्य हुए है, दायित्व हुए है कि घायल नो गंतव्य स्थान तक पहुंचाए देनो। इंद्रवास से ऊंट नो स्पेशली ट्रेंड कियो जावे है, बिना गाइडेंस रे भी ऊंट वापस जाए सके हैं अपने निर्धारित स्थल माथे। मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ठोलो दूजी मारवी और तीजो करहो कुमकुम बरण। वाह। नेक्स्ट है योगासन। योग री जिंदगी में बहुत अहम भूमिका है और ये बताए रहा है लॉन्ग आर्म पोजिशन शीशासन में कांस्टेबल बलवीर सिंह ऊंट बलदेव माथे। ये तो अठे ही शुरू हो गया योग करण नो, तो समय और स्थान की कमी इनरी भावना रे आडी नहीं आवे है। सीमा सुरक्षा बल केवल सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं करता बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करता है। प्राकृतिक आपदा के समय भी सीमा प्रहरी देशवासियों की सहायता और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हुए आगे बढ़कर मानवता की हिफाजत करते हैं। ऐसा ही दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है जहाँ प्राकृतिक आपदा के दौरान सीमा प्रहरियों का एक दल पहले ही जा चुका है और अब रास्ते की बाधा को हटाकर कितनी फुर्ती के साथ ये आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। आप ग्राउंड में लगी घड़ी पर नज़र रख सकते हैं और हमारा समय शुरू हो चुका है। रास्ते में पत्थर उठाना मुश्किल, हटाना मुश्किल, लेकिन राहत कार्य के लिए पहुंचना भी निहायत ज़रूरी है। सीमा प्रहरियों का यह राहत और बचाव दल इस बाधा को कैसे पार करता है, कितनी जल्दी पार करता है, क्योंकि मिशन पर पहुंचना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना सीमा प्रहरियों की संस्कृति है, उनका संस्कार है।
और घड़ीरी एक एक सुई रे साथ मारा जवान सीमा सुरक्षा प्रहरी आपरी मंजिली तरफ बढ़ने तैयार है। साधन चाहे कम हो या चाहे वक्त कम हो, लेकिन इन साहस में कदी कमी नहीं आवे है। आप राखो घड़ी रे माथे नजर और मैं राखो हूं मारे जाबाज सीमा सुरक्षा प्रहरी और माथे नजर। और राजस्थान की धरती पर चेतक यानी चेतक ड्रिल हमने ना जो नाम दिया, वीर योद्धा महाराणा प्रताप की स्मृति मानस पटल पर अंकित होती है। चेतक को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। सामने नदी पड़ी अबार, घोड़ा कैसे उतरे बार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और चेतक ड्रिल में ये जाबाज सीमा प्रहरी बस एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए, जी हाँ, मेरी घड़ी में इस समय ठीक 1:35 हुए हैं और ये आगे बढ़ते बस, और ये 1:43, 44, 45, 46, 47 में ये कर दिखाया इन्होंने 2 मिनट से भी अंदर के समय में, बहुत ही शानदार। और अब आप देखेंगे वेपन हैंडलिंग, जी हाँ, आतंकवाद या नक्सलवाद इलाका, और किस तरह अंधेरे में भी या हाथ में चोट लगने पर भी किस तरह हमारे जाबाज सीमा प्रहरी और उनके साथ हमारी महिला जाबाज महिला सीमा प्रहरी किस तरह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर ये इस काम को अंजाम देते हैं, ये ठीक आपके समक्ष। हथियारों के से खेलना ये उनकी आदत है, ये उनका श्रृंगार है, ये उनका आभूषण है। एक दो एक प्रथम अपनी नजर सामने रखिए, ये अब तैयारी हालत। श्रीमान, एक हाथ से हथियारों को खोल जोड़ दे, एक हाथ से, और ये मैंने फिर समय शुरू कर दिया है। एक हाथ से यानी एक हाथ में या चोट लगी या गोली लगी तो भी कैसे हम हथियार को खोलते हैं, उसकी दुरुस्ती करते हैं और कैसे जोड़ते हैं, इसका एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बिजली इसकी फुर्ती से आगे बढ़ती, बहुत ही उम्दा, बहुत सुंदर। और अब रात का समय, अंधेरा, दुश्मन पर काबू पाना। बंद आंखों से हथियारों को खोल जोड़ दे, बंद आंखों से, किस तरह निर्देश मिला और उस पर फिर से सीमा प्रहरियों ने एक्शन करना शुरू किया। जाबाज सीमा प्रहरी साथ में महिला शक्ति एक साथ, हर कदम पर, कदम दर कदम। बहुत ही शानदार। जय हिंद श्रीमान। इसमें जो हथियार शामिल हैं 5.56 mm इंसास राइफल, इंसास LMG, 9 mm बरेटा, AK-47 और अपने पूरे प्रदर्शन को ठीक 1 मिनट में इन्होंने कंप्लीट किया था। STC जोधपुर डेमो कमांडर SI कस्तूरी राम, पर्यवेक्षण डिप्टी कमांडेंट अशोक झाझरिया। और आज BSF के विश्वविख्यात सीमा भवानी एवं जाम